हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल तो यहाँ पे हम देखेंगे आज ट्वेंटी एट दिसंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज पे देखो यहाँ पे हमारा दिया हुआ है जयशंकर मीट पुतिन से ही कॉन्फिडेंट ऑफ रिटर्न ऑफ एनुअल समिट ठीक है तो इसके बारे में देखेंगे थोड़ा सा आई के पॉइंट ऑफ व्यू से है ये हेलिंग इंडिया रशिया रिलेशन एज वेरी स्टडी एंड वेरी स्ट्रॉन्ग एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एज जयशंकर सेट वे दैट ही वॉज कॉन्फिडेंट वो बोल रहे हैं कॉन्फिडेंट हैं दैट एनुअल इंड इंडिया रशिया लीडरशिप समिट विच प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमिर पुतिन हैज़ स्किप्ड फॉर टू एय कुड बी हेल्ड इन ट्वेंटी ट्वेंटी फोर कि जो दो साल से टाला जा रहा है वो दो हज़ार चौबीस में होने के लिए वो कॉन्फिडेंट हैं वी विल बी ग्लैड टू सी आवर फ्रेंड मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी इन रशिया मिस्टर पुतिन टोल मिस्टर जयशंकर एक्ट मीटिंग इन मॉस्को ऑन दें इवनिंग वो बोल रहे हैं कि वो रेडी है ठीक है रशिया मतलब प्राइम uh, मिनिस्टर का वेलकम करने के लिए द मीटिंग केम आफ्टर डिस्कशन विद फॉर मिनिस्टर सर्जर लेवरो इंटर गवर्नमेंटल कमीशन टॉक विद डिप्यूटी ट्रेड मिनिस्टर डेनिस मैंथो uh, रोवी uh, ठीक है तो क्या कहा जा रहा है ये जो मीटिंग है इसमें क्या बातें हुई हैं कि हाँ वो प्राइम uh, मिनिस्टर जो है वो रशिया जा सकते हैं मीटिंग हो सकती है जो दो साल से एनुअल इंडिया रशिया लीडरशिप समिट है जो पोस्टपोन हो रहा है वो हो सकता है ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में बोस साइड से विजिट हैज़ बीन मार्क्ड बाई स्ट्रॉन्ग असर्शन ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ बाई रिलेशनशिप इन ईयर वेयर टाइज अपीयर टू फ्लैग इंडिया रशिया रिलेशन रिमेन वेरी स्टडी बोल रहे हैं कि जो इंडिया रशिया रिलेशन है वो क्या है स्टडी है रिमेन्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दे आर बेस्ड ऑन आवर स्ट्रेटजिक कन्वर्जेंस ऑन आवर जियो पोलिटिकल इंटरेस्ट बिकॉज दे आर म्यूचुअली बेनिफिशियल ठीक है तो ये एक चीज़ हो गई फर्स्ट पेज पर कि हाँ चलो ये ट्वेंटी ट्वेंटी फोर में ऐसा देखा जा सकता है नेक्स्ट आएँगे नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है और जो एग्ज़ाम के पॉइंट से इम्पॉर्टेंट होता है वही हम पढ़ते हैं ये जो लोग हमेशा देखते होंगे एनालिसिस उनको पता होगा ग्रोथ चार्ट डब्ल्यू एच स्टैंडर्ड वर्सेज इंडिया क्राफ्टेड इसमें क्या है देखेंगे हाई लेवल ऑफ चाइल्ड अंडर नरिशमेंट हैव बीन परसिस्टेंस प्रॉब्लम इन इंडिया मतलब अंडर न्यूट्रीशन अंडर न्यूट्रीशन जो है वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम है इंडिया में इट इज़ वेल रिकगनाइज दैट डिटरमिनेट्स ऑफ अंडर न्यूट्रीशन आर मल्टीपल इंक्लूड फूड इनटेक डाइट्री डाइवर्सिटी हेल्थी सैनिटेशन वुमेन स्टेटस एंड ओवर आर्ज इन कंटेस्ट ऑफ पोवर्टी तो ये कुछ चीज़ें हैं ओके द मोस्ट कॉमन मेजर्स जो देखा जाए क्या है चाइल्डहुड अंडर न्यूट्रीशन आर बेस्ड ऑन एंथ्रोपोमेट्रिक वन मिनट तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि फूड इनटेक डायल डाइवर्सिटी हेल्थ सैनिटेशन वोमेन ओवर आर्ट एंड कंटेस्ट तो ऑफ पॉवर्टी पे ध्यान दिया जा रहा है ठीक है अब क्या कहा जा रहा है कि जो मोस्ट कॉमन मेजर है चाइल्डहुड अंडर न्यूट्रिशन का वो किस पे बेस्ड है एंथ्रो एंथ्रोपोमेट्रिक स्टैंडर्ड्स पे और वो स्टैंडर्ड्स कौन से हैं जैसे है स्टांटिंग क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन वेट और हाइट वेस्टिंग अक्यूट अंडर न्यूट्रिशन मतलब क्या कहा जा रहा है इसमें कि हाइट के अकॉर्डिंग वेट ना होना हाइट के हिसाब से ठीक है पहली चीज़ और दूसरी चीज़ क्या बताई जा रही है नरिश अंडर नरिशमेंट होना ठीक है अंडर न्यूट्रिशन की कमी होना ये बात की जा रही है मॉनिटरिंग दीज इसकी टू ट्रैक ट्रैकिंग प्रोसेस इन दी प्रोग्रेस इन द टर्म ऑफ एनुअल आउटकम्स लाइक इंडिया लाइक मोस्ट अदर कंट्रीज यूजेस एक्सेप्टेड डब्ल्यू एच ओ जो भी उनका नॉर्म्स है वो देख के उस हिसाब से ये चीज़ें हो पाए इसको इंश्योर करना है क्योंकि स्टार्टिंग क्रॉनिक अंडर न्यूट्रिशन एंड वेट फॉर हाइट वेस्टिंग एक्यूट अंडर न्यूट्रीशन की कमी देखी जा रही है कि उनमें चाइल्डहुड की मतलब बच्चों में ग्रोथ स्टैंडर्ड टू मेजर माल न्यूट्रिशन अब देखो माल न्यूट्रिशन की भी कमी देखी जा रही है अंडर न्यूट्रिशन देखो है कि अंडर नरिश हैं पर माल न्यूट्रिशन मतलब उनमें क्या लिखी जा रही है कि जैसे आप ये देखो कि बच्चे हैं जो मतलब आप कई लोग को देखते होंगे कि इतनी ज़्यादा उनके कम वेट होते हैं और माल न्यूट्रिशन हो होते हैं मतलब एक तरीके से उनमें कमी होती है पोषण की ठीक है उसकी बात यहाँ पे की जा रही है हाउ देर इज एन इमरजेंट डिबेट ऑन अ नंबर ऑफ इशू रिलेटेड टू द यूज़ ऑफ दिस ग्रोथ स्टैंडर्ड इन इंडिया सम ऑफ विच आर डिस्कस बिलो जैसे कि ऑन यूजिंग एम जी आर एस एम जी आर एस की यूज़ की बात की जा रही है अब जैसे एम जी आर एस की बात हुई जैसे कि जिसका नाम है मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी तो अगर ये पूछा जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये डब्ल्यू एच ओ का स्टैंडर्ड है जो कि कंडक्ट कराया जाता है सिक्स कंट्रीज़ में कराया जा रहा है जो कि नाइनटीन नाइनटी सेवन से दो हजार तीन तक कराया गया है जिसमें ब्राजील है घाना है इंडिया है नॉर्वे है ओमान है एंड यूएस है ठीक है कौन कितनी कंट्रीज हो गई सिक्स कंट्रीज ठीक है यू ऑलरेडी यहाँ पे मेंशन है तो ये प्रेलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्पज वॉज टू डिटरमाइन पैटर्न ऑफ ग्रोथ ग्रोथ को देखने के लिए और ये पाँच साल तक के बच्चों के लिए ज़्यादा ये देखा जाता है बर्थ टू फाइव ईयर्स ऑफ द चिल्ड्रन हु डिड नॉट फेस एनी नोन डेफिशियंसीज इन दी इन देयर इन्वायरमेंट द रिफरेंस दैट वर प्रीवियसली यूज डब्ल्यू एच ओ नेशनल सेंटर फॉर हेल्थ स्टैटिक रेफरेंस ठीक है ये सारी चीज़ें इसमें कही गई हैं और कुछ चीज़ें हैं सम रिसर्चर मतलब कुछ रिसर्चर हैं हु हैव अनलाइज डेटा फ्रॉम अदर सर्विस फॉर इंडिया सजेस्ट दैट दिस स्टैंडर्ड ओवर टाइम अंडर न्यूट्रिशन कि ये क्या है अंडर न्यूट्रिशन है लुक एट दी प्रोज एंड कॉन्स ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन चाइल्ड ग्रोथ स्टैंडर्ड टू वन नेशनल कम्प्लाइड वन तो मतलब एक तरीके से प्रोज एंड कॉन्स की भी यहाँ पर बात की गई है देखो कुछ भी हम चाहे वुमेन से रिलेटेड लिखते हैं या चाइल्ड से रिलेटेड लिखते हैं तो हमें नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे को जरूर मैंशन वहाँ पर करना चाहिए तो बताया जा रहा है फॉर इंस्टेंस इवन अमंग चिल्ड्रेन सिक्स ट्वेंटी थ्री मंथ ठीक है सिक्स टू ट्वेंटी थ्री मंथ तक के बच्चों को देखा जाए हाउस होल्ड ऑफ द हाइएस्ट क्वेंटाइल इन द नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे एन एफ एच एस फाइव ट्वेंटी नाइन्टीन से ट्वेंटी ट्वेंटी वन तक ओनली बारह पॉइंट सेवन परसेंट ठीक है ट्वेल्व पॉइंट सेवन परसेंट जो है वो क्या कर पा रहे हैं मीट रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम एक्सेप्टेबल डाइट को वो एक्सेप्ट कर पा रहे हैं जो कि डिफाइन किया गया किसके द्वारा डब्ल्यू एच ओ के द्वारा ओके okay? आगे आ जाएंगे जेनेटिक ग्रोथ एंड अदर कंसर्न की बात यहाँ पर की गई है कि क्या क्या चीज़ें हैं किस तरीके से सही किया जा सकता है ओके okay? और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ की भी बात यहाँ पर की गई है दिस इज़ वेरी गिवन द इनक्रीज बर्डन ऑफ नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इन इंडिया ओके ये भी है यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जैसे कि सच फियर अपीयर लार्जली अनवॉंटेड जिसमें है क्वालिटी ऑफ मील्स अंडर स्कीम मस्ट बी इम्प्रूवड इन श्योर देट दे आर नॉट सीरियल हैवी इंक्लूड ऑल न्यूट्रिशन मतलब सारे न्यूट्रिशन हो उसमें डायट्री डाइवर्सिटी देखी जाए कि हर तरह के पोषण जो है वो बच्चों को मिल पाए चाइल्ड हुड एज में आई सी एम आर का रिकमेंडेशन अब देखो दो तीन चीज़ें आपको याद रखनी है मेन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको क्या क्या लिखना है स्टार बना के रखा है मैंने पहले तो आप लिख दो डब्ल्यू एच ओ ने क्या कहा है पहला पॉइंट हो गया दूसरा पॉइंट आप ये लिख दो एम जी आर एस से रिलेटेड ठीक है तीसरा पॉइंट आप यहाँ पे लिख सकते हो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे फाइव का लिख दो चौथा पॉइंट यहाँ पे क्या हो गया जेनेटिक कन, ग्रोथ एंड कं ग्रोथ एंड लिखना चाहो तो ठीक है या ना वरना आई सी एम आर से रिलेटेड जो भी है वो लिख दो तो ये आपने लिख दिया इंट्रो में ये अगर आपने बॉडी में लिख दिया ठीक है और एक कंक्लूजन बना दिया सारे चीजों को लेकर के आपका कंप्लीट आंसर रेडी हो गया तो आई सी एम आर रिकमेंडेशन की बात करें क्या कहा जा रहा Research, है इन लाइट ऑफ दीज डिस्कशन इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च फुल फॉर्म है आईसीएमआर हैज़ कॉन्स्टिट्यूटेड कमिटी मतलब कमिटी बनाई टू रिवाइज ग्रोथ रेफरेंस ग्रोथ रेफरेंस को रिवाइज करने के लिए इट हैज़ बीन रिपोर्टेड दट दिस कमिटी हैज़ रिकमेंडेड अ डिटेल रिगरेस स्टडी टू बी कंडक्टेड अक्रॉस द कंट्री टू एग्जामिन चाइल्ड ग्रोथ विद द परपज ऑफ डिवाइजिंग नेशनल ग्रोथ चार्ट इफ नेसेसरी ओके येट वाइल एक्वायरिंग न्यू ईयर एंड मोर प्रेसाइज इन्फॉर्मेशन ऑन चाइल्ड ग्रोथ इज वेलकम मूव कंसिडरिंग आवर हाई स्परेशन ऑफ रीचिंग डेवलपमेंट इन एवरी लास्ट पर्सन बाई ट्वेंटी अभी देखो ये टारगेट याद रखना है कि अगर आई सी एम ये टारगेट आप लिख देते हो तो एक पॉइंट आपका वहाँ पे वो हो जाता है कि हाँ आपने जो आंसर लिखा है वो क्वालिटी आंसर लिखा है ठीक है तो क्या कहा जा रहा है कि डेवलपमेंट टू एवरी लास्ट पर्सन बाई ट्वेंटी फोर्टी सेवन तक एंड इट्स एडवांटेज ऑफ कम्पेरिबिलिटी इट सीम्स लॉजिकल टू स्टिक टू दस्पिरेशनल हाई बट अचीवेबल स्टैंडर्ड जो है वो सजेस्ट किया जाए बाई डब्ल्यू एच ओ एम जी आर एस एम जी आर एस का फुलफॉर्म हमने ऑलरेडी देख चुका है हम हाँ, ऑलरेडी देख चुके हैं मल्टी सेंटर ग्रोथ रेफरेंस स्टडी ठीक है तो ये आर्टिकल हमारा एक तरीके से इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सब सिलेबस में हमारे है नेक्स्ट आ जाएंगे नेक्स्ट देखेंगे टेक्सन कॉन्टेस्ट वाले पेज पर हम देखेंगे क्या आया हुआ है आज Uh, इस पे है विल स्लिम रिवोल्यूशनाइज द लूनार लैंडिंग लूनार लैंडिंग समझ गए होंगे मून से रिलेटेड है देखते क्या है जापान का है ये स्लिम यानी कि स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेशन मून ये जापान का है अब एस एल आई एम आ गया स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून तो आप कहाँ का ऐसे पूछ लेता है कई बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने देखा होगा तो किस कंट्री से रिलेटेड है तो आपको पता हो जाएगा वहाँ से किससे है जापान से रिलेटेड प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट हो सकता है स्पेस क्राफ्ट इंटरड लूनार ऑर्बिट ऑन दिसंबर ट्वेंटी फाइव को एंटर कर चुका है uh, हमारा चंद्रयान था आपको पता होगा ऑलरेडी फॉर द मून लैंडिंग ऑन जनवरी नाइनटीन पोटेंशियल मेकिंग जापान फिफ्थ कंट्री इससे जापान क्या है फिफ्थ कंट्री बन जाएगा ठीक है फिफ्थ कंट्री बन जाएगा टू सॉफ्ट लैंडिंग सॉफ्ट लैंड ऑन क्राफ्ट ऑन दी मून ठीक है तो ये फिफ्थ कंट्री बन जाएगी अब एगिंग फाइव नाइंटी के जी एट दी लॉन्च एस एल आई एम यानी कि स्लेम इसलिए सिग्निफिकेंटली लाइटर देन इंडिया चंद्रयान ये लाइटर है इंडिया के चंद्रयान थ्री से ओके uh, okay? इनका फाइव हंड्रेड नाइन्टी के जी ही है इम्फोसाइजिंग फ्यूल इफिशियंसी एंड कैरिंग फ्यूअर इंस्ट्रूमेंट और इनके इंस्ट्रूमेंट भी कम यूज हुए हैं स्लिम जर्नी टू द मून यूटिलाइज अ फ्यूल थर्टी रूट बेस्ड ऑन दी वीक स्टेबिलिटी बाउंड थियोरी टेकिंग फोर मंथ्स कंपेयर टू चंद्रयान थ्री शॉर्टर हो मान ट्रांसफर ऑर्बिट विच टुक लेस देन अंथ ओके अब देखो इसमें एक मंथ से भी कम लगा इनको से टू लैंड नीयर दी सियोली क्रेटर के पास इन्होंने लैंड कराया है और इसका एम है अनप्रेसिडेंटेड प्रिसीजन लैंडिंग हंड्रेड मीटर विद इन हंड्रेड मीटर कराना इन्हें एंड एडिड बाई डेटा फ्रॉम जैक्सा सेलेन ऑर्बिट एंड डिप्लॉइंग स्मॉल रोवर फॉर सर्फेस एनालिसिस तो मतलब क्या क्या इसके एम है ऑब्जेक्टिव है वो भी यहाँ दिया हुआ है और एक क्या कहा जा रहा है स्लिम सक्सेस और फेलर विल इन्फॉर्म जापान कोलाब्रेशन विथ इंडिया इसके बाद ये सक्सेस होता है या फेल होता है इससे पता चल जाएगा कि जापान का कोलैबोरेशन जो होने वाला है इंडिया के साथ कौन सा है वो ल्यूपेक्स क्वेश्चन हंड्रेड परसेंट बनने के चांसेस हैं यहाँ से ठीक है कि पहला तो ये ये पूछ लेगा ये कहाँ का है ठीक है एस एल आई एम तो इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है जापान से रिलेटेड है इसका ये भी है कि इसका जो वेट है वो हमारे चंद्रयान थ्री से कम है साथ ही साथ इसमें ये भी कहा गया है Uh, कि ये विद इन लैंडिंग इन हंड्रेड मीटर्स कराने की है इनकी और ये इसके बाद ये भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि किस में हम जापान से कोलाबरेट कर रहे हैं तो लुपेक्स है वो लुपेक्स मिशन जिसमें हम जापान से कोलाबरेट करने वाले हैं विल एक्सप्लोर मून साउथ पोल रीजन एंड रिक्वायर प्रिसाइज लैंडिंग टेक्नोलॉजी ठीक है तो ये सब चीज़ें यहाँ से इम्पोर्टेंट हो जाती हैं प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से स्लिम के बारे में पूरा दिया हुआ है इज स्लिम ये स्पेस क्राफ्ट है जो कि लॉन्च किया गया है जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के द्वारा सात सितंबर 2023 को ठीक है और विच इज़ ऑलमोस्ट वन सेवंथ ऑफ चंद्रयान थ्री और उसका वेट मतलब उस कम है चंद्रयान थ्री से स्लिम जो लॉन्च किया गया है टुगेदर विथ एक्सलिम नेक्स्ट जनरेशन एक्सरे स्पेस टेलीस्कोप के साथ ठीक है लॉन्च लिम एंड टुगेदर डिलेड रीडिंग पुश लिम लॉन्च डेट फ्रॉम ट्वेंटी वन टू ट्वेंटी थ्री इसकी वजह से देर हुआ तो इसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन हाउ डिड स्लिम गेट टू द मून लाइटर है बिकॉज इज कैरीड मच लेस फ्यूल बहुत कम फ्यूल कंटेन किया है तो ये लाइटर है वेट में चंद्रयान थ्री जो है वो थ्री uh, पॉइंट नाइन टन परपल्सन मॉड्यूल था उसमें टू पॉइंट वन टन का दिस इज वाई मिशन वॉज लॉन्च ऑन जुलाई फोर्टीन एंड कुड रीच लेस मंथ लेटर बाई फॉलोइंग रूट कॉल होशमान ठीक है तो ये सारी चीज़ें हैं कि जो क्वेश्चन थोड़े बन सकते हैं ओके पच्चीस दिसंबर को जापान का जो है ये क्लेम स्पेस वो एंटर कर चुका है ऑर्बिट मून के ऑर्बिट में तो इसलिए इसको हमें पढ़ना था जो कि एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ uh, है जो थ्री के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जा सकता है और हमने कौन सा कोलाबोरेशन करने को सोचा जापान के साथ लू ये देखो यहाँ पे मैंने दे दिया है लूपेक्स उसके बारे में भी आपको याद रखना है नेक्स्ट आ जाएंगे नेक्स्ट देखेंगे हमें और कौन सा पढ़ना है साइड में यहाँ पे कुछ दिख रहा है यू जी री इशूज़ नोटिस दैट एम फिल इज़ नॉट डिग्री कोर्स ठीक है तो यूनिवर्सिटी ग्रैंड कमीशन यूडीसी ने क्या किया है पब्लिक नोटिस के थ्रू बताया है कि मास्टर्स इन फिलासफ़ी एम फिल डिग्री को अब डिग्री uh, कोर्स आर नो लॉन्गर रिकॉगनाइज कि अब ये डिग्री कोर्स नहीं है ठीक है यू जी सी सेक्रेटरी जो है मनीष आर जोशी उन्होंने बताया है मिनिमम स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर फॉर अवार्ड ऑफ पी एच डी डिग्री रेगुलेशन ट्वेंटी ट्वेंटी टू हेज़ क्लियरली स्टेटेड दैट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन शैल नॉट ऑफ़र एम फिल प्रोग्राम कि वो लोग एम फिल प्रोग्राम नहीं ऑफ़र करेंगे नोटिफिकेशन हुआ है सात ट्वेंटी ट्वेंटी टू में को The यू however, pointed out, एवर course which started prior to it will not affect, as a student can complete the course. ki matlab jo कि मतलब जो भी कर रहे हैं वो कम कर सकते हैं उन पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा पर फर्दर वो इस तरह के कोर्स ऑफर नहीं करने वाले हैं ठीक है नेक्स्ट आ जाएंगे नेक्स्ट देखेंगे हम और कौन सा है साइंस का पेज यहाँ पे जो ऐड होता है उसमें दिया है साइंटिस्ट आर यूजिंग फ्रूट फ्लाइज टू फाइन क्लूज टू हंड हंटिंगटन डिजीज ठीक है तो क्या कहा जा रहा है एवरी मंथ मेडिकल जेनेटिक क्लीन नेक इन निज़ाम इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च हैदराबाद सी थ्री टू फोर पीपल्स विथ हंगटन डिजीज तो ये डिजीज के बारे में आपको जानना है कौन सा डिजीज है सॉरी ये डिजीज का नाम है हंटिंगटन डिजीज से लोग क्या कर रहे हैं परेशान हो रहे थ्री टू फोर पीपल्स ओके okay. हैदराबाद में पूछ लिया अगर तो हमें पता होना चाहिए प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इस तरह के क्वेश्चन प्री में आते हैं ये सब आपको पता ही होगा डिजीज़ uh, और ये सब से रिलेटेड ठीक है बट इन ईच केस बिहाइंड द इंडिविजुअल लाइज अ फैमिली डिवास्टेड एट फर्स्ट हंगिटन डिजीज पेशेंट हैव माइल्ड सिम्टम्स कुछ माइल्ड सिम्टम्स होते हैं उनमें जैसे फॉरगेटफुलनेस लॉस ऑफ बैलेंस हो जाता है क्लमज़ीनेस आ जाती है सिंपल टास्क वो परफॉर्म नहीं कर पाते सिम्टम्स अगर देखें तो ये तीस साल से पचास साल के लोगों में देखा जाता है बाई वन पेशेंट माइट ऑल्सो हैव हैड चिल्ड्रन ठीक है कंडीशन जो है वो बहुत ही खराब होती चली जाती है पेशेंट सफ़र मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं डिफ़िकल्टी आती है सोचने समझने में अब होने लगता है वो अनकंट्रोलेबल हो जाता है जर्की की मूवमेंट करने लगता है और बोलने में प्रॉब्लम होने लगती है स्वेलिंग आने लगती है और वॉकिंग में भी प्रॉब्लम होती है तो बहुत सारी प्रॉब्लम है जिससे ये पता चलता है कि ये बहुत ही खतरनाक डिज़ीज़ है पेशेंट इवेंचुअली डाइज बट नॉट बिफोर रेजिंग सेम फेट दिससे डेथ भी हो जाती है ठीक है कितना डेंजरस डिजीज है आ, नाम क्या है हटिंगटन याद रखना है ओके दिस इज वाई अंडरस्टैंडिंग हाउ हटिंगटन डिजीज प्रोग्रेस एट दी मॉलिकुलर लेवल इज इस इम्पॉर्टेंट इसलिए हमें जानना जरूरी है इसके बारे में

न्यूटेटेड जीन हेव एवर इन कोड एंड अब नॉर्मल एस टी टी प्रोटीन दैट इन्ट डिस्ट्रॉय उसके बाद वो क्या करती है डिस्ट्रॉय कर देती है न्यूरोस को और रेगुलेट मोमेंट एंड थिंकिंग एंड मेमोरी को नॉर्मल एस टी टी जीन्स कंटेनर स्ट्रेच ऑफ डी एन एस में डी एन ए होते हैं जो स्पेसिफिक नंबर के होते हैं अमीनो एसिड ग्लूटामिन होता है रिपीटेड इन दी एस टी टी प्रोटीन उसमें वो रिपीट होता है एस टी टी प्रोटीन और नंबर वैरी करता है ग्यारह से इकतीस और ये जो म्यूटेंट होता है वर्जन ऑफ एस टी टी जीन्स वो क्या करता है दिस स्ट्रेच पैंटू इन कोड थर्टी फाइव और मोर रिपीट्स वो और कर देता है जिससे कि वेरियंट बहुत सारे वेरियंट इसके हो जाते हैं मोर देन वन फिफ्टी रिपीट्स और ये जो नंबर होता है रिपीटिशन का वो इंक्रीज होता है हटिंगटन डिजीज का इंक्रीज एंड इट्स डिबिलटेटिंग बिगिनस एट एन अर्ली एज तो ये बहुत ही एक डेंजरस है क्लू फ्राम फ्रूट फ्राइज फ्रूट फ्राइज़ तो जो क्लू है फ्लू फ्रूट फ्लाइज से ये क्या है देखेंगे न्यू स्टडी में पाया गया है हंगरी में कि जो रिसर्चर हैं उन्होंने पाया है कि जेनेटिकली इंजीनियरिंग जो फ्रूट फ्लाइज होते हैं ठीक है जेनेटिकली इंजीनियरिंग फ्रूट फ्लाइज होते हैं जो टू एक्सप्रेस पॉलीग्लूटामिन ट्रैक्ट ऑफ म्यूटेटेड ह्यूमन एस टी टी जीन इन दी नर्वस सिस्टम वो करते हैं एंड टू डू डिज दे यूज जीन जिसका नाम है जी ए एल फोर फ्राम बेकर ईस्ट ठीक है जी एल जी ए एल फोर कंटेन करता है इंफॉर्मेशन विद विच सेल्स मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोटीन कॉल जी एल फोर पी और ये जो प्रोटीन है क्या करता है प्रोटीन बिंड स्पेशली टू शॉर्ट डीएनए सीक्वेंस ठीक है अप अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस यूएसए से तो मतलब एक तरीके की ये सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बताई जा रही है जीवन क्या है टू ग्रुप होते हैं विद द टू ग्रुप इन हैंड रिसर्चर्स सेट अबाउट टेस्टिंग वदर दी पैथोजेनिक रिजेंबलिंग हंगिटिंगटन डिजीज इन द फ्रूट फ्लाइज वॉज चेंज फॉर बेटर ऑफ अ वर्ड्स देन दे टर्न एक्सप्रेशन ऑफ द डिफरेंट जीन्स अप टू डाउन तो मतलब उन्होंने रिसर्च किया जिसके बाद क्या पता चला टीम इन्वेस्टिगेटिव थर्टी टू जीन्स तो मतलब जो टीम है उन्होंने बत्तीस जीन्स को इन्वेस्टिगेट किया और क्या पाया कि एक्सेसिव एक्सप्रेशन और ओवर एक्सप्रेशंस ऑफ वन कॉल्ड योर मतलब योड वन में आप जान लो एक्सेसिव एक्सप्रेशंस और और ओके वन मिनट और ओवर एक्सप्रेशन ठीक है आ, क्या कहा जा रहा है ऑफ वन कॉल्ड योड वन रिमूव ऑल ऑफ डिजीज लाइक इफेक्ट इन फ्लाईज इंक्लूडिंग न्यूरोडाइजनरेशन न्यूरोडिजेनरेशन सॉरी और इसमें साथ साथ क्या है मोटर एक्टिविटी लोअर वायलबिलिटी लॉन्गेटिविटी टीम ऑल्सो फाउंड कंट्रोल तो मतलब ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं और जो इम्पोर्टेंट आपको जानने के लिए वहाँ वहाँ आ, क्या है जो है मैं यहाँ पे स्टार लगा देती हूँ पहली हंगटन डिजीज़ के बारे में आपको जाननी है सिम्टम्स क्या है उससे रिलेटेड ये जाननी है ठीक है दूसरा आ, यहाँ पे जानना है एच टी टी जीन क्या है ओके okay? और ये जो नॉर्मल एस टी जीन्स है वो क्या कंटेंट करता है स्ट्रेच ऑफ डीएनए कंटेंट करता है और ये रिपीटिव मोड पे क्या होता है इसके बारे में है जी एल फोर क्या है ठीक है योड जीवन कॉल्ड योड जीवन ये बस इतना सा पी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें जानना है सिग्निफिक्स क्लाइमेट माई स्टोन ऑफ ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री की बात की जा रही है हॉटेस्ट ईयर दिस ईयर इज ऑल बट सेट टू बी डिक्लेयर हॉटेस्ट इन हिस्ट्री ऐसा बताया जा रहा है अकॉर्डिंग टू कोपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस 2023 पॉइंट वन डिग्री सेल्सियस वार्मर था दस मंथ के एवरेज लिया गया है 2016 से तो ये पता चला है कि ये कंपेयर किया गया है तो ये पॉइंट वन डिग्री सेल्सियस क्या था वार्मर था करेंटली वार्मर्स कैलेंडर ईयर रिकॉर्ड पे है वन पॉइंट फोर थ्री डिग्री जो है डी रेट वार्मर देन प्री इंडस्ट्रियल प्रिफ्रेंस पीरियड कॉल जनवरी टू अक्टूबर हाइएस्ट सी सरफेस टेम्परेचर भी रहा है अकॉर्डिंग टू यू एस ओशियन एटमोसफेरिक एडमिनिस्ट्रेशन एन ओ ए फोर्टी एट परसेंट ग्लोबल ओशन एक्सपीरियंस देम इन अगस्त ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री ठीक है मरीन हीड वे पीरियड वन ओशन टेम्परेचर वार्मर थे नाइन्टी परसेंट प्रायर रिजर्व जो ऑब्जर्वेशन है उससे पाया गया सी uh, सी आइस इज अंटार्कटिक रीजन एनुअल मैक्सिमम तो मतलब बढ़ा है लोवेस्ट अंटार्कटिक सी आइस एक्सटेंट देखा गया है रिकॉर्ड कार्बन डाइऑक्साइड लेवल देखा गया है तो क्या कहा जा रहा है हिट अ न्यू हाई जो कि 2023 में 1.1 पॉइंट परसेंट दो हज़ार से कंपैरिजन देखा गया है ठीक है और दूसरा यहाँ पे देखो आइस एक्सटेंडेड एरिया ऑफ आइस कवरिंग इन अंटार्कटिक ओशियन एट गिवन टाइम अंटार्कटिक आइस शीट हैज रिकवर लो आइस ग्रोथ फ्रॉम अप्रैल ये है लॉस एंड डैमेज की बात की जा रही है वर्ल्ड फर्स्ट लॉस एंड डैमेज फंड इम्पैक्ट क्लाइमेट चेंज वॉज क्रिएटेड इन ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री इम्पैक्ट ऑफ फूड सिस्टम तो मतलब सारी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं और ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें लोगों को शेयर करें चैनल पे आप नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग